हमें बताओगी कि हमारी याददाश्त कैसी गई? बस इतनी सी बात से परेशान हो गए? हमारा 16वां सावन था और त्योहार साथ पहला। हम गए थे सिनेमा घर सिनेमा देखने। सिनेमा देखा और बाहर निकल आए सिनेमा का हिट गाना गाते हुए, हाथों में हाथ आंखों में आंख। पर इतने में एक लफंगा आया और हमारी चिकोटी ले ली और हम चिल्लाए ओह। बस तुम सटअप नहीं रह पाए, तुम चालू हो गए। इतने में उस लफंगे का एक दोस्त आया एक बड़ा सा डंडा लेके। मैं चिल्लाई, प्लीज हमरे वीर को छोड़ दो, हम सारी हैं, तुम चाहते हो तो हमरे पप्पी ले लो, हमरे चिमटी ले लो, एक नहीं दो ले लो। लेकिन उसने हमरी एक नहीं सुनी और तुम्हारे सर पे मारा दाई। बस उसी दिन से तोहार ई हसर हुई गवा। हम तोरी स्टोरी पे कोनो बिलीव नहीं करते। काहे बिलीव नहीं करते? हम लायर है का? हम झूठ बोल रहे हैं? तो खाओ मार सर की कसम। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम कसम वसम नहीं खाते। हाँ ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने हमको एक हमारी शक्ल का आदमी दौड़ते दिखाई देता है, ये क्या छोटी बात है? हमको तो लागत है ये भूत प्रेत का चक्कर है। हमारी बात मानो, हमारे साथ चलो। एक बाबा है पास के गाँव वाला, बहुत पहुँची हुई चीज है, उसको दिखाते है सब ठीक वीक हो जाएगा। हमको जरूर नहीं बाबा साहब ढोल ढपंगियों की। वीर भैया ये खाली आपको बहका रही है, इसके चक्कर में पड़े ना तो मुस्कान हम सबको रुलवा देगी। ललन भैया हाँ। लोग आपको क्या क्या बोलते हैं? हाँ क्या कहते हैं हमें? ठिंगने गांठ गिठान नाट बटले और क्या। तो क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? अरे हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ तो ललन भैया सबसे ज्यादा जरूरत बाबा की किसको है? किसको है? आपको। आप बाबा के पास जाओगे आपका कद बढ़ेगा, आपको कौन मिलेगी? ये शांति। चलो इन जमाऊ खतीरा। बाबा अपार कष्ट है, शरीर को विकट धक्का लगा है। शांति बच्चा शांति, हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन में शांति है। खामोश, वो शांति नहीं, शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराओ। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए। लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही के मिल गया। थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर अभी लो बाबा। इन जमाओ खतीरा निखेत। अरे क्या कर रहा है? हट, मेरी नहीं अपनी, उधर बैठ उधर बैठ। हट, किधर से निकलूं? भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल नाटो कहीं का। नेक्स्ट। बाबा ये वीर है। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं, सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा ये सपना नहीं है, तो मुस्कान है। मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है बाबा? इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया समझ गया समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, करण अर्जुन। यो करण करण, डोंट ट्रेन करण, मैं अर्जुन अर्जुन, मार्च अप्रैल में चुन अर्जुन करण। अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मच्चा करण मच्चा, अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है रोती है, माता से लड़ती है, कहती है तू भी तो माँ है मेरे करण अर्जुन, मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ, अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है सरसों के खेतों में, पीले पीले फूल कैसे गया तू भूल, आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है ए बंधन तो प्यार।
प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। बाबा, ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला ना तुझे, खोपड़ी फेंक के मारूंगा ठीक है? मुस्कान, इस समस्या का पता चल गया है। 1000 रुपए यहाँ रख दो, और इसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। 4000 रुपए लगेंगे, मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा, आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 हल इकट्ठे करवा दूंगा। लीजिए। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते। शिव बोटी मंगा लेना। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो? जिंदा रहे पुत्र। अरे बाबूजी, बहुत ही अद्भुत समाचार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय बाबूजी। सारी शंकाओं का समाधान हो गया है बाबूजी। अब हमारे वीर को किसी प्रकार का कष्ट इस जन्म में नहीं है। हाँ, थोड़ी सी जटिलता पुनर्जन्म की है और थोड़ी सी यादाश्त की, तो उस समस्या का समाधान बाबा खोज रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा, अरे बाबूजी, बाबा को नहीं जानते आप? लो कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता? अरे बाबूजी, सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! हमार बेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बोल? हम थोड़ी ना ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी, लेकिन ये हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी, ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे बाबूजी? मुस्कान, बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही? वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहां वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी, हमार बिटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो जी, मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी। चलो। क्या बात है बेटा, क्या अपने बाप पर भरोसा नहीं रहा जो तू इन पाखंडियों के पास जाने लगा? अरे मैं कहता हूँ तू बिल्कुल ठीक है, आज के बाद तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी बाबूजी। हाँ, शतरंज की बाजी खेलेगा मेरे साथ? नहीं बाबूजी, मैं जरा माँ से मिल के आया। ठीक है, हार जा। बहुत गुस्से में बाबूजी। ओए पुत्र, तू फिक्र ना कर। करण के लिए क्या निशान है? फौज में था मैं, सरहद पे दुश्मन की गोली खाई है, उसी का निशान है ये। अच्छा? हाँ। गोली का निशान है तो फिर ये सब खाए बाबूजी? तुम भी आ गए अंकल की बातों में। ये आर्मी में थे जरूर, लेकिन इनसे पूछो ये करते क्या थे उसमें।
अरे बताना मेरे बेटे को। ओए पुत्र क्या है, मैं फौज में जरूर था लेकिन किचन में काम करता था। दरअसल ये तार चुभ गया था। अब ये बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि तार चुभ गया था, गोली लग गई थी, ये बोलने में अपनी शान होती है ना? कांटे वाला तार? हाँ पुत्र। अच्छा, अब कितनी देर अपने बाप के सामने नंगा खड़ा रहेगा, जा अंदर जाकर कपड़े पहन के आ। जी बाबूजी, मैं शर्ट पहन के आता हूँ। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि और भी जो पिछड़े हुए गांव हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की के रास्ते पर चलें और तरक्की करें। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम अपनी हर कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं। हम वादा करते हैं कि हमारी इस गांव के वीर को मुस्कान का नमस्कार। आइए मिस्टर वीर, कम सिट बाय माय साइड। ये तुम्हारे चीफ मिनिस्टर, हम तुम्हारे होम मिनिस्टर। ये तुमका आंसू देंगे, हम तुमका मुस्कान। ये तुमका 7 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे, हम तुमका 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। इनकी कतनी करनी में अंतर है, हमारी कतनी करनी में कोनो अंतर नहीं। ये तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, हम हमारा घर उधर बसाएंगे। समझे मिस्टर वीर? ये है पहुंचे। मंत्री जी, ये मेरा बेटा है, कुछ दिनों से इसकी तबीयत खराब है, अजीब अजीब चीजें देखता है, इसे माफ कर दीजिए साहब। ठीक है, ले जाइए, संभालिए इसे। तू तो मुझे बचपन से जानता है ना? हाँ। फिर मुझे मेरे साथ ही होता क्यों है? क्या है क्या? अरे फिर क्या, कैसे क्या भैया, आपको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हो। तुझे मालूम मेरी याददाश्त कैसी गई? तुझे पता तो मुझे बता दे, तुझे मेरी कसम। अरे भैया इसमें कसम वाली क्या बात है, आप सुनकर यही कहोगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई है। फिर भी अभी बता देता हूँ, एक दिन की बात है, आप मेरे पास आए और बोले चल ललन जंगल चलते हैं शांति की तलाश में। हम सोचे हमारी शांति की बात कर रहे हैं आप, हमने आओ देखा ताओ और हम चल पड़े आपके साथ। जंगल में शांति बांधती तो मिली नहीं, उल्टे मिल गया भालू। हम तुम अकेले और उधर भालू, और भालू जो छुट्टे साड़ी तरह हमारी तरफ लपका, तो भैया हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हम लपक कर पेड़ पर चढ़ गए। ऊ वक्त के लिए हम साथ छोड़े थोड़ा सा, आप तो ठहरे वीर, आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तो झूठ बोल रहा मुझसे? अरे झूठ कैसे बोल रहा हूँ, आप आगे तो सुनिए। बहुत देर तक आपका रोमांचक मुकाबला हुआ और इधर उधर भिड़ंत हुई आपकी, और उस भिड़ंत में भालू ने आपको पंजा मार दिया। अरे अरे भैया सुनिए तो, पंजा मारा भैया, और उसकी वजह से आपकी ये दशा हो गई है। आप हम लोगों पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? और एक बात बताएं भैया, आप हमसे ऐसे किस्से मत पूछा करिए, हमें बहुत तकलीफ होती है। अतीत मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। आप जैसे भी हो, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वीर, ये मुस्कान काहे रो रही हो? काहे रो रही मुस्कान? स्टूपिड हो गए हो का? ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा, हम तो घबरा गए थे। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं वीर। कहो। आई लव यू, आई लव यू, लव यू। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मुस्कान। आई लव यू, आई
आई लव यू। और एक बात कहें? कहो। हम बिल्कुल नारियल की तरह हैं। क्या? बाहर से कड़क, अंदर से नरम। हमारा दिल बहुत सॉफ्ट है। तो हम भी तो सेम टू सेम है ना? हमारा शरीर पत्थर की तरह और हमारा दिल बिल्कुल मोम की तरह। जानते हैं बुद्धू, इसलिए तो तुमसे प्यार करते हैं। हमने तुमको दिल से अपना पति माना है। आज से हमारा धर्म है तुम्हारी सेवा करना और तुम्हारा फर्ज हमारी रक्षा। हमें कभी मत छोड़ना वीर, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम भी हमको छोड़ के कहीं ना जाना, हम भी तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, ना जी पाएंगे तुम्हारे बिना। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे बेटा, हम जाना थे तुम क्या कर रहे हो, और हम बहुत खुश हैं। अरे भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे, खुश रखे।